हे हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, खासकर बेल्टोन के कर्मी के लिए। जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो अभी काफ़ी चर्चित है, यानी कि हम लोग फेमस वर्ड भी कह सकते हैं, जिसके आपको जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। वो वर्ड है KYC। KYC नाम शब्द आप में से हर किसी ने सुना ही होगा, जो अभी काफ़ी चर्चित है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, KYC को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे KYC के बारे में पता होगा और बहुत सारे लोगों को KYC के बारे में पता नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि एक KYC के ऊपर एक अच्छी तरह पर्टिकुलर वीडियो बना लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों को जो मन में कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं KYC क्या है, KYC क्यों किया जाता है और KYC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस बेल्टोन से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले बात कर लेंगे कि KYC का फुल फॉर्म क्या होता है। KYC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, नो योर कस्टमर। इसका मतलब हुआ हिंदी में, अपने ग्राहक को जानो अच्छी तरह से, कौन है आपका ग्राहक, क्या करता है, कहाँ रहता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आप लोग KYC करते हैं, अपना थंब लगाते हैं, अपना फिंगर यानी लगाते हैं, जिस भी वेबसाइट में आप KYC करते हैं, अपने आधार कार्ड के थ्रू, अपने आधार कार्ड के सारी जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उस वेबसाइट के डाटाबेस में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो KYC क्यों किया जाता है, KYC का फुल फॉर्म आपको तो पता ही चल गया होगा। KYC इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स, KYC मतलब अपने कस्टमर को वेरीफाई करना यानी सत्यापन करना। KYC करने से पता चलता है कि मेरा जो कस्टमर है, ठीक है, वह मेरा कस्टमर है या फिर इसके जगह कोई दूसरा लाभ उठा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि सरकारी योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति का KYC हर वर्ष किया जाता है। सरकारी योजना जैसे कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड वाले का, किसान किस्त लेने वाले हर लाभार्थी का जो है हर साल KYC किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे कि सत्यापित हो जाता है कि लाभार्थी लाभ ले रहा है या कोई दूसरे जगह या उसके जगह कोई दूसरा व्यक्ति लाभ उठा रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स, बात करें तो बेल्टोन की कर्मी का KYC क्यों किया जाता है। देखो, सबसे पहले बेल्टोन एक संस्था है यानी बिहार सरकार का उपक्रम है। बेल्टोन के वेबसाइट में लिखा रहता है, बेल्टोन ए बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। इसका मतलब हुआ बेल्टोन बिहार सरकार का उपक्रम है, ठीक है। जब आप लोग बेल्टोन के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद बेल्टोन आपको ज्वाइनिंग देने से पहले कैंडिडेट का KYC यानी सत्यापित करता है कि, क्योंकि फ्रेंड्स, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद बेल्टोन के कर्मी बनने वाले हैं आप लोग, ठीक है। इसलिए KYC किया जाता है कि बेल्टोन आपको अच्छी तरह से जान सके, आप कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ के निवासी हैं, आपका कैटेगरी क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन बेल्टोन आप ज्वाइनिंग से पहले KYC के थ्रू आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जो है लोगों का KYC किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि KYC क्यों किया जाता है, KYC फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लगी है तो फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर फ्रेंड्स आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसी तरह की बेल्टोन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट रोजाना डेली आप लोगों के लिए लेके आता हूँ।